हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्वाति क्रिएशन आज मैं ये आपके लिए चाहे इसको बूटी कह लो या लेडीज़ शूज़ कह लो उस तरह का ये डिज़ाइन लेकर आई हुई हूँ बहुत ही इजी है बनाने में देखेगा पर बनने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसे लग रहा है बहुत सारे डिज़ाइन इसमें मैंने अप्लाई किए हैं इसको मैंने दो कलर से बनाया है ब्लैक एंड मरून कलर से इसको मैंने बनाया हुआ है तो ये यह यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से बनते जाएगा ये डिज़ाइन तो हम जो मैं बताऊँगी इसको तो हम स्वेटर में भी डाल सकते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊँगी और देखिए ये बीच में जहाँ पे हमने फंदा इंक्रीज़ किया है कोई भी यहाँ पे देखिए जाली नहीं डली है तो ये बहुत ही इसमें जैसे है गर्माइश रहेगी कहीं से भी कोई भी छेद नहीं है कि जिससे कि हवा के जाने का ये भय हो आपको तो चलिए फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 52 फंदे डाले हैं ये मैंने तो पांच से छ नंबर साइज के लिए बनाया हुआ है अगर आप इससे कम साइज के लिए बनाना चाहते हैं तो चार फंदे कम कर लीजिए और अगर आप इससे ज्यादा सात नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो चार फंदे ज्यादा कर लीजिए तो ये मैंने क्या किया है कि दो फंदों से मैंने दो कलर से मैंने इसको बनाया है तो इसके लिए मैंने दो दो जो है इसकी रोज जो मरून की और दो ब्लैक की बॉर्डर में बनाई है ये बॉर्डर मैंने इसके लिए बनाया है नहीं तो क्या होता है थोड़ा सा मैंने बड़ा बॉर्डर बनाया है नहीं तो जो आपका लेग वाला पार्ट है वो आपका जो एंकल वाला पार्ट जो है वो आपका ठंडा होता रहता है तो इसके लिए मैंने ये बनाया कि ये पूरा थोड़ा सा एंकल भी हमारी ढकी रहे तो ये मैंने थोड़ा सा देखिएगा इतनी रोज़ का बॉर्डर है दो चार छः आठ दस रोज़ का मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है दो दो रोज़ जो हैं मैंने हर कलर की दी हैं आप चाहे तो इसको तीन कलर से भी बना सकते हैं आपकी जैसी मर्जी पर मैंने इसको दो कलर से बनाया है तो बॉर्डर बनाने के बाद मैंने क्या किया है देखिएगा बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ये ब्लैक कलर से रोज़ बनाई हैं देखिए और ये मेरे जो हैं फिफ्टी टू फंदे हैं अब हम क्या करेंगे देखिएगा तो पहले हम अब हम दूसरा कलर इसमें लगाएंगे तो पहले जो हमारे ट्वेंटी फोर फंदे हैं वो हम बना लेते हैं फिर ये वाला जो बीच वाला पार्ट है वो अभी हम बनाने स्टार्ट करेंगे ये डिज़ाइन तो है उसकी नेक्स्ट रोज में बनेगा देखिए पहले हम क्या करेंगे सेकेंडरी कलर हम अपना इसमें अप्लाई करेंगे तो हम 24 फंदे जो हैं आप चाहे मार्कर की हेल्प से क्या कीजिएगा मार्कर की हेल्प से इसको 24 फ़ोर फंदे के और फोर फंदे जो हम बीच में रखेंगे उन उन पे आप निशान लगा लीजिए पर मैं ऐसे गिन के ही कर लूँगी देखिए और इस धागे को हम बीच में हम इसमें दबाते हुए जाएंगे और 24 फंदे हम बना लेंगे अब देखिए मैंने ट्वेंटी फोर फंदे जो हैं हम मैंने ये बना लिए हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ से भी ये ट्वेंटी फोर रख लिए हैं और ये बीच के चार फंदे हैं अब हम इस फंदे को भी ऐसे बना लेंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे फंदे को जो हमने इंक्रीज करना है तो कई आप जाली डाल के भी इंक्रीज कर सकते हैं तो यहाँ पे जाली वाला आ जाएगा पर मैंने यहाँ पे जाली नहीं डाली है मैंने ऐसे फंदों के इसको इंक्रीज किया है देखिए कैसे किया है ये ऐसे करके बस ऐसे करके आप डाल लीजिए फिर ये दो फंदे हम सीधे बना लेंगे फिर फिर दो फंदे मैंने ये सीधे बना लिए फिर से मैंने फंदा इंक्रीज किया क्योंकि हर रो में हमारे पास यहाँ पे दो फंदे इंक्रीज होंगे और आगे पूरी रो में इन ट्वेंटी फोर फंदों की बना लूंगी उसके बाद जहां पे हमने फंदा इंक्रीज किया है वहाँ तक हम आते हैं फिर हम क्या ये मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे हमें क्या करना है उल्टी रो में भी आप यहाँ तक बीच तक बीच से एक पहले तक आप पहुंच जाइए अब देखिए मैंने ये ट्वेंटी फाइव फंदे जो थे वो मैंने बना लिए है जो हमारा जो इंक्रीज किया हुआ फंदा है वहाँ पे आपको ध्यान देना है धागा पीछे करना है और ये फंदा हमें सीधा बनाना है क्योंकि ये हमें जो इंक्रीज किए हुए फंदे हैं वो हमें यहाँ पे गार्टर स्टिच वाले बना जो रोज हैं वो आएंगी इसके लिए मैंने यहाँ पे ये फंदा सीधा बनाया ये अगेन धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे और ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे और बाकी फंदे एज इट इज हम बना लेंगे जिस तरह से हम उल्टे फंदे बना रहे हैं बाकी फंदे हम बना लेंगे अब हम इसके नेक्स्ट रो में आए हैं नेक्स्ट रो में अभी देखिएगा कैसे करेंगे हम इसी रो में जो ये वाला जो डिजाइन है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा अब देखिए मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है आप इसे किसी बच्चों के स्वेटर में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं देखिए बन दो कलर का ये डिज़ाइन है तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको तो पहले हम क्या करेंगे चार फंदे हम सीधे ब्लैक कलर से हम बना लेंगे जो हमारा मेन कलर है उससे हम बना लेंगे चार फंदे बना बना लेने के बाद हम दो फंदे जो ये वाले हैं इनको हम एज़ इट इज़ उतार लेंगे फिर चार फंदे हम बुन लेंगे ब्लैक कलर से इस डिज़ाइन की एक ख़ास बात है कि एक बार में एक ही कलर इसमें चलेगा देखिए चार बुन लिए फिर दो ऐसे बना लिए फिर देखिए चार बना लिए और दो हमने ऐसे ही उतार लिए देखिएगा और यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा जो बढ़ा हुआ फंदा है वो वाला है अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये वाला जो है फंदा ब्लैक कलर से हमने सीधा बनाया ये आगे वाला जो देखो हमने पिछली तरफ से इसको सीधा बनाया था इसको भी हम सीधा बनाएंगे क्योंकि हमें ये गार्टर स्टिच वाला बनाना है अब ये देखिए दो जो हमारे सीधे जो ये बीच वाले फंदे जो चल रहे हैं इसके साइड में हम वही करेंगे हर बार हमें क्या करना है ये ऐसे करके हम फंदा इंक्रीज कर लेंगे और दो फंदे हम सीधे बना लेंगे फिर अगेन हम फंदा इंक्रीज करेंगे और जो फंदे इंक्रीज किए हुए हैं वो उल्टी तरफ से सीधे बनाए जाएंगे ताकि हमारा ये वाला डिजाइन यहाँ पे आ जाए फिर अब देखिएगा अब हमें इसी ऐसा ये जो वाला जो डिजाइन है वो वही ऐसे इस तरफ बनाना है तो एक फंदा हम ब्लैक से सीधा बनाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे और दो फंद चार फंदे हम ये ब्लैक कलर से बनाएंगे और दो फंदे उतार लेंगे और ऐसे हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे अब उल्टी तरफ से क्या करेंगे जो जैसा जो जैसा दिख रहा है उल्टा उल्टा फंदा हम बना लेंगे इनको बुनेंगे और जो अन बिना बुने फंदे हैं उनको भी हम ऐसे ही उतार लेंगे और बीच में जो फंदे हमने इंक्रीज किए हैं वहाँ पे अब दो जो फंदे हैं वो सीधे आएंगे और जो बीच के फंदे हैं दो वो हमारे उल्टे हो जाएंगे देखिएगा ये देखिए इस बार हम ये देखिए अब देखिएगा ये एक फंदा तो हमारा यहाँ पे उल्टा रहेगा अब धागा पीछे करेंगे जो लास्ट टाइम भी हमने सीधा फंदा बनाया था इस बार भी हम इसको सीधा बनाएंगे फिर जो इंक्रीज़ किया हुआ फंदा है इसको भी हम सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे और इनको हम दो उल्टा बना देंगे फिर इंक्रीज़ किया हुआ फंदा आ गया इसको हम सीधा बनाएंगे और आगे वाला जो फंदा है वो पिछली बार हमारा बढ़ा हुआ था तो इसको भी हम सीधा बनाएंगे और देखिए ये वाला फंदा उल्टा और ऐसे हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे अब जो है डिज़ाइन की ये मेन रो है इसको देखिएगा कैसे करेंगे दो फंद ये जो है पहले ये अब हमारा जो है दूसरा मरून कलर लग जाएगा देखिए दो रोज जो है वो ब्लैक की आएंगे और दो मैरून की आएंगे ये देखिए दो तीन फंदे तो हम मरून कलर से बना लेंगे अब देखिए ये जो दो बिना बुने फंदे हैं इसका हम ये पहले वाला फंदा लेंगे इसको हम बना लेंगे और अब इसको उतार लेंगे और ये जो ब्लैक जो फंदा है वो हम इस तरफ लेके इसको इस रंग से बुन देंगे अब हम ये वाला जो फंदा ये वाला फंदा हमने इस तरफ कर दिया और ये वाला फंदा हम इस तरफ करेंगे ये वाला फंदा लेंगे इसको हम पहले बनाएंगे जिस तरह हम केवल वाला है वैसे वही बेसिक ये वही डिज़ाइन है देखिएगा ये ऐसे करके ये डिज़ाइन है ये देखिए और अब हम दो फंदे सीधे बनाएंगे ये वाला फंदा लेंगे आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं ब्लैक फंदे को इस तरफ लिया इस महरून फंदे को इस तरफ लिया और इस रो में रख लिया और ऐसे करके हमने कर लिया और ये देखिए अब ये वाला फंदा हमने इस रो में लिया इस नीडल में लिया और इसको हमने बना लिया फिर हम महरून वाला ये फंदा बना लेंगे देखिए ये डिज़ाइन बनने के बाद ऐसा दिख रहा है बहुत ही सुंदर सिंपल सा डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है आप इसे किसी भी अपने प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं आगे जो बीच का जो फंदों का प्रोसीज़र है वो हर बार वैसा ही रहेगा जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे जो बड़े हुए फंदे हैं उनको हम गाटर स्टिच की तरह बनाएंगे और जो साइड में हम बिना जाली डाले हुए फंदा दो फंदो दो जो सीधे फंदे हैं उनके साथ में इंक्रीज करेंगे तो देखिए अब हम वहीं पे पहुंच गए हैं ये देखिए ये डिजाइन बनने के बाद इस तरह से आया अब देखिए ये दो फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे अब हम फिर से फंदा इंक्रीज करेंगे ऐसे करके और ये फंदा दो फंदे हम सीधे बनाएंगे फिर फंदा इंक्रीज करेंगे और ये फंदे हम सीधे बनाएंगे और जैसा डिज़ाइन है वैसा बनाएंगे। अब उल्टी रो पूरी हमारी उल्टी आएगी और यहाँ पे जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि गाट ये जो इंक्रीज़ किए हुए फंदे हैं ये हर बार एक एक फंदा पहली बार में एक था फिर दो फिर तीन ऐसे से इंक्रीज होते हुए जाएंगे और ये डिज़ाइन हम ऐसे डालेंगे फिर मैं नेक्स्ट आपको डिज़ाइन कैसे बनाना है वो बताती हूँ उल्टी रो बना लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है देखिए ये डिजाइन हमारा दिखने स्टार्ट हो गया है अब इस डिजाइन को आप दो वेज में टू वेज में डाल सकते हैं अब हम जो है वो ब्लैक कलर लगाएंगे तो आप डिज़ाइन ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे जिस तरह से ये पिछली बार में डाला हुआ है ऐसे भी डाल सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे सीधा भी डाल सकते हैं पर मैंने क्या किया है इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके डाला है कि इस बार यहाँ पे डाला है तो जो अब दूसरी बार में डालूंगी तो मैं यहाँ पर ये यह वाला डिज़ाइन डालूँगी तो वो कैसे करेंगे देखिएगा पहला फंदा हम ब्लैक से बनाएंगे फिर इन दो फंदों को हम उतार लेंगे अब जो ये डिज़ाइन है अब ये जो चार फंदे हैं अब ये ब्लैक से बनेंगे पहले हम क्या कर रहे थे चार फंदे और ये चार फंदे हम पहले बना रहे थे और फिर उसके बाद हम दो तो फंदे बिना बने उतार रहे थे ये देखिए अब जैसे ये डिज़ाइन जैसे डाला है इसके ऊपर ऊपर वैसे भी डाल सकते हैं दो तरह से ही ये डिज़ाइन दोनों तरह से सुंदर लगता है पर मैं इसको ऐसे बना रही हूँ अब मैं ये दो फंदे ऐसे उतार लूँगी और चार फंदे में ऐसे बनाऊंगी तो ये डिज़ाइन फ्रेंड्स ऐसे ही बनता हुआ जाएगा देखिए और ये जो हमारे बीच के फंदे हैं देखिए जो इंक्रीज किए हुए फंदे हैं वो हम गार्टर स्टिच की तरह बनाएंगे और दो फंदे ये बीच के सीधे चलेंगे और ऐसा हम ये सिक्सटीन सेवनटीन टाइम करेंगे देखिए कितनी बार करेंगे आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सेवनटीन टाइम्स हम करेंगे तो सेवनटीन टाइम्स आप कर लीजिए और ऐसे ये साइड वाला डिज़ाइन आप ऐसे ही बनाते हुए जाइए फिर मैं आपको जो है वो ये वाला पार्ट बनाने बताऊंगी अब देखिए मैंने ये जो है सेवनटीन टाइम्स मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं ये काउंट करेंगे देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन टाइम हमने ये फंदों को इंक्रीज किया है सेवनटीन टाइम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं बट ये इतने सिक्सटीन टाइम फंदे मैंने इंक्रीज किए हैं तो ये काफ़ी हैं अब देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन भी बनेगा अब हम क्या करेंगे ये जो डिज़ाइन है वो हम डालेंगे बट हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो जैसी रो है वैसे ही बनाएंगे पर बट हम यहाँ पे क्या करेंगे फंदे को इंक्रीज नहीं करेंगे जो देखिए हम यहाँ पे फंदा इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे नहीं करेंगे जो आपका डिजाइन है वैसे ही हम ये पूरी रो डालेंगे और कोई फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे अब देखिए ये सीधी रो मैंने पूरी बनाई है यहाँ पे कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं किया है अब उल्टी रो में देखिए कैसे करेंगे उल्टी रो हम अब हमें क्या है कि ये काट स्टिच की की तरह बनाना है और अभी हम क्या करेंगे ये उल्टी रो उल्टी ना बनाते हुए हम सीधा इसको बनाएंगे और कोई फंदा ना इंक्रीज़ है ना कुछ है बीच के फंदे तो हमारे उल्ट सीधे ही आने हैं तो वो गार्टर स्टिच की रो बननी ही बननी है तो हम ये पूरी रो अपनी सीधी ये इसी कलर से बना लेंगे अब देखिए ये एक गार्टर स्टिच की ये देखिए ये एक रो जो है बनती हुई चली गई है अब हम क्या करेंगे आप चाहे तो एक कलर से भी आगे का ये जो है नीचे का पार्ट बना सकते हो पर मैंने जो स्टार्टिंग से दो कलर यूज किए हैं मैं ऐसे ही इसको बनाती हुई जाऊंगी तो अब हम क्या करेंगे ये जो ब्लैक कलर का जो है इससे पूरी रो सीधी बनाएंगे अब हमें क्या चाहिए दो दो गाटा स्टिच की रो चाहिए एक ये गाटर स्टिच की रो होगी और एक और हम गाटर स्टिच की रो बनाएंगे जिस रो में कोई ना फंदा बढ़ाएंगे ना घटाएंगे कुछ नहीं करेंगे सिर्फ ये एक रो होगी अब एक और रो हम इसके बाद ये जो है जब आप ब्लैक कलर की एक, एक सीधी रो और एक उल्टी रो बनाते हुए जाएंगे तो एक ही गार्टर स्टिच की रो बनके रेडी हो जाएगी फिर आगे बताती हूँ मैं आपको कि कैसे करना है नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे अब मरून कलर से धागा लगाने के बाद हम ये फंदों को हाफ़ कर लेंगे इस में हाफ़ करना बहुत इजी है देखिए ये जो दो फंदे जो हमारे बीच के आ रहे हैं ये एक फंदे तक हमारा ये यहाँ पे हाफ हो जाएगा अब ये मैंने हाफ फंदे जो हैं सीधे बनाए हैं अभी हमें काटर स्टिच की जो हैं वो आठ से नौ रोज़ बनानी है अब हम सिर्फ यही वाले फंदों को बनाते जाएंगे और ये फंदों को यहीं पर हम छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे अब यहीं से वापस हो जाएंगे और ये ऐसे ही आप चाहे एक कलर से चाहे दो कलर से बनाते हुए आठ गार्टर स्टिच की रोज़ बना लीजिए दो तो ये बन चुकी हैं और उसके बाद आप छः रोज़ छः गार्टर स्टिच की मीन्स ट्वेल्व रोज़ आप बना लीजिए फिर मैं आपको आगे बताती हूँ अब देखिए मेरी ये जो ये लाइंस हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं तो मेरी ये नौ लाइन्स आई हैं आप चाहे आठ बना सकते हो पर मैंने नाइन लाइंस ये बनाई हैं मींस एटीन रोज़ ये कंप्लीट हमारी हो चुकी हैं अब हम इन फंदों को जैसे सिंपली हम बंद करते हैं वैसे कर देंगे और ये फिर बाकी वाले जो ये फंदे हैं इनको हम बना लेंगे जिस तरह से हमने ये बनाया है उस तरह से हम इन फंदों को बना लेंगे फिर मैं आपको इसको स्टिच करने बताऊंगी देखिए फ्रेंड्स मैंने अब ये दूसरी साइड भी बना के रेडी कर ली है तो ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है देखिएगा अब हम क्या करेंगे नीडल की हेल्प से सिलना देख लीजिएगा कैसे सिलेंगे पहले हम इसको ये वाला पार्ट ऐसे करके यहाँ तक कैसे सिल लेंगे फिर ये वाला पार्ट जो है वो आपको ऐसे देखना है कि ये जो हमने ये पार्ट बनाया हुआ है अभी हमें यहाँ पे इसका अंगूठा भी निकालना है तो हम क्या करेंगे देखिएगा ये जो ये वाली जो साइड है जो बीच की है एक साइड देखिएगा दोनों तरफ से सेम बनेगा और दोनों सॉक्स में ये सेम बनेगा ये देखिएगा ऐसे करके हम इसको स्टिच करेंगे ऐसे करके और इस तरफ को भी हम ऐसे करके लेंगे और यहाँ को भी हम ऐसे करके इसको स्टिच करेंगे तो देखिएगा बनने के बाद ये ऐसे एक तरफ ये अंगूठा इसमें कोई भी ये नहीं होता कि कौन से पाँव का है आप किसी भी अपने पाँव में इसमें अडजस्ट ये क्योंकि ये गार्टर स्टिच है तो ये पहनने के बाद एडजस्ट हो ही जाता है और यहाँ से ये यहाँ तक सिला जाएगा यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये सिला जाएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ तक तो अभी हम इसको स्टिच कर लेते हैं तो देखिएगा स्टिच करने के बाद जो मैंने दूसरा पार्ट है वो बना के रेडी कर लिया था ये यह यहाँ से ऐसे यहाँ से सिल लिया यहाँ से वो मैंने यहाँ तक सिला फिर देखिएगा ये मैंने इसका ये ऐसे करके ये भी ये देखिएगा ये ऐसे करके आप इसको ये ऐसे करके देखेगा तो देखिए ये बनने के बाद कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है तो फिर चलिए फ्रेंड्स आप इसे बनाइए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ये प्यारी सी बूटी जब अपने के लिए जरूर बनाइएगा थैंक यू